यहाँ पे आपको आएंगे तो आपको मिलेगा AEC extended sir. AEC extended पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए तो आपको मिलेगा full S. जैसे हमने last time पढ़ा था wall, इस तरह से wall को बनाएंगे. यहाँ पर होता है हमारे पास full S. और full S पे आके जब देखेंगे सर तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे trees by default के अंदर as a block बने हुए रखे रहते हैं. ठीक है, तो जैसे कि सपोज हमें इस ट्रीज को चाहिए तो इस ट्रीज लिया ट्री भी आप लेकर इसको देखने को पड़ी है 50 लाइक अच्छा सा. तो हम अपने जैसे कोई भी इंटीरियर बनाया तो उसमें हम लोग इस तरह के ट्रीज को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे कि बनियान लिया, बनियान की ट्री को इस तरह लगा दिया सर, ये दूसरा लगा दिया. अब देखिए तो इसकी एडिटिंग करनी है, तो एडिटिंग करने के बाद क्लिक करेंगे. जैसे आप बाहर क्लिक कर रहे हो देखिए तो क्या हो रहा है सर, इसके ऊपर इस तरह से दिख रहा है ना किनो भी पड़ गया इसके ऊपर. ठीक है, कवर पड़ गया है ना, इस कवर को हमको सेटिंग करना पड़ता है कि हमें रखना है नहीं रखना है. और तो और इसके अंदर देखिए फ्रूट जड़ रखना है नहीं, पत्तियाँ रखनी है नहीं, इसके सेटिंग्स होती है. तो इसके लिए आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई पे आके आप देखिए तो आपको जितनी हाइट चाहिए अपने ट्रीज की हाइट कर दी, इसकी मैंने इसकी हाइट एडिट कर दी. ठीक है, इसका जितना इंटेंसिटी रखना है ठीक है कम कर सकते हैं, मैक्सिमम वन होगा. ठीक है, और यहाँ पे जितना आपको उसको कम रखना है ना तो उतना ना तो कम कर देंगे इसका. और इसका इमर स्विंग जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा ये ऊपर से चला जाएगा, इस तरह से मॉडिफिकेशन है इसकी. ठीक है, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिप्स. ठीक है, अगर आपको पत्तियाँ रखना है तो रखिए, नहीं तो ऐसे करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा हमें. और तो हमारा जो रियलिस्टिक रेंडर में आने वाला व्यू है वो ये आने वाला. और हमने इसको ऑन कर दिया, हम जब ट्रंक रखेंगे तो उसके अलग अलग ब्रांचेस टैग हो जाएंगे. ठीक है, ये फ्रूट्स अगर इसमें फ्रूट वाला पेड़ है ये अगर तो फ्रूट इसके आएंगे, नहीं तो बैक आएंगे. और यहाँ पे ब्रांचेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस भी कर जाएंगे. फ्लावर्स इसके अगर फ्लावर वाले मैंने क्योंकि कुछ में फ्लावर होगा कुछ में फ्लावर नहीं होगा, तो फ्लावर होगा तो हट जाएगा वो सर. रूट्स अगर गैप किया तो इसके रूट्स ही गैप हो जाएंगे. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अब इसमें जो अभी आपने देखा कि जब हम लोग व्यू पोर्ट कैनोपी मोड कर रहे थे जब इसमें, तो जैसे हम बाहर क्लिक कर रहे थे तो कैनोपी लग जा रही है सर. अब जैसे अंदर क्लिक करके अगर हमने यहाँ पे नेवर कर दिया ठीक है, तो ये कभी भी इसमें कैनोपी नहीं लगेगा. ठीक है, तो ये कवर नहीं होगा. तो लाइक इस तरह से हम अपने लाइक डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. तो जैसे कि फिर हमने फुलेज लिया और ये मिल जाएगा, जैसे ये ले लिया देखिए इसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसके मॉडिफिकेशन पर गए, इसको हाइट को हमने कम कर दिया, इसकी डेंसिटी कम कर दिया, कर लगे तो सेटिंग ऑफ है क्या इसकी. ये देखिए जो इसकी सीट्स थी ना बहुत ज़्यादा कम थी, इसकी वजह से कुछ आ ही नहीं रहता केवल उसमें वो बचा था. तो इस तरह से हम लोग इसको जितना भी बढ़ाना चाहे घटाना चाहे इस तरह से हम लोग बढ़ा घटा देंगे. तो हर एक ट्री की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज, तो लाइक अलग अलग चीज़ें सेम ही है. कुछ ही चीज़ें से कभी भी ऐसा और सेटिंग इसको ले लिया. अब इसमें भी कुछ नहीं है, सीट्स इसकी कम है, तो सीट्स कम है पता नहीं कितनी सीट्स कम है जनरली होता नहीं. मैंने ये सॉफ्टवेयर आज ही डाउनलोड किया है, तो लाइक पीस यूजेबल नहीं है ना, तो उसको पता भी नहीं कि हम लोग को दिन भर का काम है ऐसे ही. तो इस तरह को दिखाते इसमें ये पड़ा हुआ है और थोड़ा से घने ट्री लेते हैं. सबके सबके सीट्स कम है इसमें, उसको ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा. अब रिमूव करने के साथ आ जाएगा पड़ा. जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर में देखोगे तो ये वहाँ पे ये कुछ ऐसे भरे हुए हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज को लगाते हैं. अच्छा होता है कि ट्री को न लगा के आप फोटोशॉप में इसको एडिट कर सकते. ठीक है, हाँ लाइक क्योंकि जब आप इस पर लगाते हैं सर तो हैंग बहुत करता है सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी मतलब इस पर नर्व होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना के फोटोशॉप में इजली क्या बोलते हैं वो लग जाता है, तो वहाँ पर लगा देते हैं तो उसकी डेकोरेशन हो जाता है. हम लोग देखने जा रहे हैं सर कि किस तरह से हम लोग इसको रेलिंग लगाते हैं. ठीक है, तो रेलिंग लगाने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके AC एक्सटेंड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेलिंग होती है सर. रेलिंग लेंगे और रेलिंग लेने के बाद यहाँ पर हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक रेलिंग बनानी है. तो पहले आप जस्ट ऐसे आप रेलिंग बना दीजिए. ठीक है, इस तरह से हमने रेलिंग बना दिया सर, बस हमको लेआउट लेना है यहाँ से लेके यहाँ. ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें दिखता रहेगा कि हम लोग कैसे कैसे लेना है, क्या सेटिंग्स है उसकी. ठीक है, तो लेते हैं हमने कैसे लेते हैं, जितना आपको लेते बढ़ाना पड़ा. ठीक है,
लेंथ अगर नहीं बढ़ाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक हम लोग क्या करते हैं इसमें सर, जैसे कि कम डिस्टेंस पड़ता है ना, हम लोग स्केलिंग करते हैं, सबसे बेटर होता है स्केलिंग लिया और स्केलिंग लेके अब जैसे मुझे वाई एक्सिस में और चाहिए तो हम इस तरह से करते हैं, इजी हो जाता है। वाई में और चाहिए हमने ये कर दिया, तीनों में चाहिए इस तरह से कर दिया, तो वो लेंथ डजन बेटर आप ऐसे कर सकते हो। तो क्योंकि जैसे अभी यहाँ कर रहे हैं तो लाइक पोर्च खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला जो डिस्टेंस बचा हुआ है और उसके लिए लेंथ बढ़ाओगे घटाओगे तो आपको टाइम लगेगा, स्केल कर दो आप। तो हमने क्या किया, इसके मॉडिफाई पे गए और मॉडिफाई पे जाने के बाद सर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो टॉप रेल है, टॉप रेल में से सी है, ठीक है। ये जो टॉप रेल है ये जो है एक्सपायर फॉर्म है, अगर आप इसको राउंड चाहते हैं तो आप इस तरह से राउंड कर दीजिए, इसको धीरे राउंड हो जाएगा, ठीक है। और ये टॉप रेल की सेटिंग है, टॉप रेल को कितना डेप्थ देना चाहते हो आप, ठीक है, उतना आप डेप्थ दे दो, जैसे डेप्थ हो गई नीचे आ गई, जितना इसको बिट देना चाहो सब उतना आप बिट इसको देते चले जाओ, देखिए बिट उतना चला जा रहा है, और इसको जितना हाइट देना उतना आप इसको हाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये सर लोअर लोअर रेल है, मतलब नीचे का है, ठीक है। तो इसको आप जिस तरह का फॉर्म चाहिए, अगर आपने राउंड कर दिया देखिए राउंड हो गया, ठीक है। और सेम सिटिंग उसके लिए भी, ये डेप्थ है उसकी और इसके भी, ठीक है। अब ये तो लाइक अभी केवल एक वर्टेक्स, सॉरी एक केवल रेल है, ठीक है। आपको रेल बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सर आपको क्लिक करना पड़ेगा लोअर रेल स्पेसिंग, ठीक है। इनके बीच में स्पेसिंग लाइक यहाँ से यहाँ तक क्या रखना है, कितने ढेर सारे रेल हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पर देखिए काउंट कितने हैं, वन। जैसे आपने यहाँ पर टू किया दो आ गए, ठीक है, थ्री करेंगे तो और बढ़ेंगे। और इसमें देखेंगे ना सर तो ये भी देखिए इसकी स्पेसिंग ऑफ है, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक भी करोगे ना तो क्लिक नहीं होगा, आप तो पहले इसका लॉक खोलना पड़ेगा सर। तो लॉक को खोलने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक किया देखिए तुरंत ये नीचे अपने आप चला गया। और अब जब इस पर क्लिक कर दिया ना तो स्पेसिंग आप खोल सकते हैं, स्पेसिंग क्लिक किया अब जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए देखिए स्पेसिंग जा रहा है नीचे, बढ़ाना है स्पेसिंग जितना बढ़ाना है उतना आप स्पेसिंग इसका बढ़ाते हैं, चलिए क्लियर है। अब सर यहाँ पर दिया हुआ स्टार्ट ऑफसेट, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कितना ऑफसेट चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे थे और नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग ये लॉक खोलेंगे। जैसे लॉक को खोलेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब स्टार्ट के लिए आप कितना चाहिए, मतलब नीचे से आपको कितना डिस्टेंस देना है वो डिस्टेंस आप यहाँ से सेट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर केवल एक टाइम पे तीन चीज़ें ही ओपन होगी, चौथा आप करते रहोगे नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आपका स्पेसिंग लाइक आपने काउंट फिक्स कर दिया है और स्टार्ट बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक होगा, अब एंड आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। जब उसका काउंट ऑफ करोगे तब आप इसका एंड ऑप्शन कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर जो मॉडिफिकेशन करनी है आप कर दो, तो मतलब कि एक टाइम पे आपको एक को ऑन ही रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कैसे भी करके लोअर रेल अपने रेल को सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद इसको ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर इसके पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट पे जाके आप देखेंगे तो ये जो ये है, ठीक है। अब जैसे इस पर आपने इसके राउंड कर दिया ना, सॉरी राउंड था ये राउंड ही है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सॉरी ये पोस्ट यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके जैसे मैंने स्क्वायर किया इसको, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है सर, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसको ऑफसेट करने के इसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और पोस्ट को जैसे जैसे आप फॉर्म में लेना है आप उसको फॉर्म में ले लीजिए, जैसे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, घटाना चाहते हैं घटा दीजिए। ये है पोस्ट हमारा और ये हमारा फेंसिंग है, ठीक है। तो पोस्ट को आप जिस तरह से सेट करना चाहें, आप पोस्ट का भी वही है सर, लाइक इसको आपको बढ़ाना है अकाउंट को तो आप ऐसे अकाउंट को बढ़ा दीजिए पोस्ट के, ठीक है। तो ये देखिए पोस्ट ये है, पोस्ट वन, पोस्ट टू, पोस्ट थ्री, ठीक, इस तरह से पोस्ट होगा। और ये है फेंसिंग, जितना आपको बढ़ाना फेंसिंग के अलग सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि पोस्ट का मेजर पोर्सन होता है, फेंसिंग जो है माइनर पोर्सन होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको भी सेट करने के लिए लॉक खोलना है उसका, तभी इसका काम होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर इनकी सेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे फेंसिंग पहनना पड़ेगा सर। और यहाँ पे फेंसिंग पे आके इसको जैसे आप यहाँ पे सॉलिड फिल करोगे सर तो पूरा का पूरा भरा हुआ आएगा, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे इस पर आपको ग्लास लगाना है इसलिए आप ग्लास लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। सॉलिड नहीं, सॉरी सॉलिड नहीं करना है अगर तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे विकेट कर देंगे, तो विकेट हमारे ऐसे से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग वही है, आप इसे डेप्थ बढ़ाएंगे, वेथ बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन बढ़ाएंगे जितना इतना पड़ेगा। और इसका क्या बोलते हैं बॉटम ऑप्शन, नीचे से आपको कितना इसको ऊपर की ओर हाइट रखना है उतना हाइट आप उसका, ठीक है। तो ये देने के बाद आपने इसको लॉक करके ओपन करके इसकी वही सेटिंग है, जितना आपको इसमें जितना बीच में काउंट चाहिए काउंट कर दिया, ठीक है। तो अगर इस तरह से चाहिए तो इस तरह से कर दिया और अगर आपको सॉलिड फिल चाहिए तो इसको सॉलिड फिल कर दिया, तो हमने अभी इसको पिकेट किया और बस ये था। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसको अगर सॉलिड फिल करते हो तो ये आपकी ये सेटिंग खुल जाएगी थिकनेस, ठीक है। अगर ये आपका लाइक सॉलिड फिल नहीं करो तब नहीं खुलेगा, तब देखिए पिकेट कहते हैं ऑफ है, ठीक है।
सॉलिड फिल किया तो ये खुल गया। अब इसकी जितनी थिकनेस आपको देनी है अपनी थिकनेस आप दे दीजिए इसकी, ठीक है। देखिए थिकनेस दिया कवर होने सब, और इसके बाद इसका सर टॉप ऑफसेट जितना आपको ऊपर से डिस्टेंस छोड़ना है डिस्टेंस छोड़ दिया इसको, और उसके बाद यहाँ पर बॉटम ऑफसेट जितना आपको बॉटम से छोड़ना है अपना बॉटम से आपने छोड़ दिया इसको, ठीक है। और उसके बाद इसका लेफ्ट ऑफसेट बगल से जो छोड़ना है छोड़ दिया आपने इस तरह से, ठीक है। तो पूरा का पूरा इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। देखिए ये ग्लास लग गया और आप इस पर आप ग्लास लगा दीजिए, यहाँ पर मटेरियल लगा दीजिए आपको, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग अपने रेलिंग को लगाते हैं और किस तरह से हम लोग अपने ट्रीज वगैरह को प्लेस करते हैं, ठीक है। वॉल का सर एक और फॉर्मेट है वो जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, कोऑर्डिनेट से भी यहाँ पे आप वॉल बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने आप वॉल लिया, ठीक है, वॉल लेने के बाद यहाँ पर जाएंगे सर, यहाँ पे लाइक आप तो लाइक मैकेनिकल बैकग्राउंड में दीजिए बन जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर हमने दिए टेन, ठीक है, यहाँ पे एड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एड पॉइंट कर दिया और यहाँ पे आपको टेन डाला, सॉरी उसका यूनिट चेंज कर लीजिए क्योंकि फिट इंच में चले गए तब हम क्लियर होना, यहाँ पर कस्टमाइज और यहाँ पर जाके यूनिट सेंटर, ओके कर दिया। और जब इसको ओके करेंगे अब यहाँ एंड पॉइंट अब यहाँ पर ओके किया और डेबिट किया और डेबिट करने से हमने यहाँ पे एड पॉइंट किया तो तुरंत ही बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे वाई में चाहिए 20, हमने 20 फिट किया और 20 फिट करके यहाँ पे एड पॉइंट देखिए सर यहाँ पे आपका 20 पॉइंट होगा, ठीक है। तो लाइक हम लोग तो कोऑर्डिनेट इतना नहीं करते लेकिन आप लोग तो बहुत होते हैं, तो आप इसलिए यहाँ से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी अपने लाइन को अगर चाहें तो प्लान के ऊपर चला सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने शायद इसमें कोई प्लान नहीं इम्पोर्ट किया है, प्लान नहीं इम्पोर्ट किया ना अभी तक, तो हम लोग अब क्या एक प्लान इम्पोर्ट करेंगे और प्लान के ऊपर वॉल बना देंगे, ठीक है। तो जिससे आपको और भी क्लियर होती है समझिए सर, यहाँ पर ठीक है 15 फिट किया तो आगे जाएगा एंड ऑल। तो ये तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी हम स्केल नहीं दे सकते और ये आपने देखा ही था, ठीक है।